नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर अपनी सादगी के लिए काफी ज्यादा चर्चित थे। उनके बारे में कहा जाता है कि दो बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद वो रिक्शे से चला करते थे। पटना की सड़कों पर अक्सर उन्हें पुराना कुर्ता और हवाई चप्पल पहने रिक्शे पर बैठकर जाते देखा जा सकता था। बिहार की राजनीति में यह वह दौर था जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव राजनीति की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किए थे। खुद को कर्पूरी ठाकुर का शिष्य कहने वाले लालू यादव जब पहली बार सांसद बने तो विल्स की एक सेकंड हैंड जीप खरीद ली और इसी से चला करते थे। बताया जाता है कि एक बार एक ऐसा मौका आया था जब कर्पूरी ठाकुर को लालू की जीप की जरूरत पर। दरअसल कर्पूरी ठाकुर उस समय बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हुआ करते थे और अस्वस्थ चल रहे थे। एक दिन उन्हें किसी जरूरी काम से विधानसभा जाना था। चूंकि उनके पास अपनी कोई गाड़ी नहीं थी, ऐसे में उन्होंने लालू यादव को याद किया। उन्होंने अपने किसी करीबी से लालू यादव के पास संदेश भिजवाया। कर्पूरी ने कहा है कि संभव हो तो वो अपनी जीप से उन्हें विधानसभा छोड़ दें। वरिष्ठ पत्रकार अनुरंजन झा अपनी हाल की एक किताब गांधी मैदान ब्लफ ऑफ सोशल जस्टिस में इस किस्से का जिक्र करते हुए लिखा है कि कलफदार कुर्ते और महंगे सैंडल के शौकीन लालू यादव ने संदेशवाहक को टका सा जवाब देते हुए कहा था कि मेरी जीप में तेल नहीं। अनुरंजन झा ने कर्पूरी ठाकुर की सादगी दर्शाने वाले एक और किस्से का जिक्र करते हुए अपनी किताब में लिखा है कि 70 के दशक में जब बिहार सरकार ने पटना में विधायकों और पूर्व विधायकों को निजी आवास के लिए सस्ती दर पर जमीन देने का फैसला लिया था, तब कर्पूरी ठाकुर ने भी अपने दल के नेताओं से कहा कि वे भी जमीन ले लें। हालांकि जब उनसे कहा गया कि आप भी अपने लिए जमीन ले लीजिए तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, आप नहीं रहेंगे तो आपका बाल बच्चा सब कहां रहेगा। कर्पूरी ठाकुर ने जवाब दिया, कुछ नहीं करेगा तो गांव में रहेगा। आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर का जीवन सादगी से भरा हुआ था। जननायक कहे जाने वाले कर्पूरी ठाकुर अपने मूल्यों को लेकर बहुत सजग रहते थे और उतना ही संयमित जीवन भी जीते थे। वे सुबह 5 बजे जग जाते थे। मुख्यमंत्री रहते हुए एक बार वे कपिल देव सिंह के घर पर दोपहर के भोजन पर पहुंचे। वहां समाजवादी नेता शिव कुमार भी मौजूद थे। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर से मिलने का वक्त मांगा। इस पर जननायक ने उनसे कहा कि सुबह 5 बजे आ जाइए। कर्पूरी ठाकुर की बात सुनकर शिव कुमार चौक गए और पूछा, सुबह 5 बजे कौन मिलेगा और कौन मुझे मुख्यमंत्री आवास में घुसने देगा। इस पर कर्पूरी ठाकुर ने उनसे कहा था कि आप आइए तो सही। कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि पर शिव कुमार ने दैनिक भास्कर के लिए लिखे अपने संस्मरण में इस घटना का जिक्र करते हुए लिखा है कि दिसंबर के महीने में 5 बजे सुबह काफी अंधेरा था। गार्ड ने नाम पता और काम पूछकर उन्हें मुख्यमंत्री आवास में भेजा। वे अंदर गए तो देखा कि वे अकेले नहीं है, वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे। बताते चले कि कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। बिहार के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कर्पूरी ठाकुर बहुत ही ईमानदार और साफ छवि के नेता थे। आज भी बिहार की राजनीति में उनका नाम श्रद्धा पूर्वक लिया जाता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।